ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक इंडियन एक्ट्रेस, मॉडल और सॉफ्टवेयर इंजीनियर तप्सी पन्नू के बारे में, जो कि आज तक तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी है। और इसी के साथ साथ वो ड्रामा, वॉर, कॉमेडी और थ्रिलर जॉनर्स में भी अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तप्सी का जन्म 1 अगस्त 1987 में दिल्ली शहर में हुआ था और वहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। और अगर मैं बात करूँ उनके एजुकेशन के बारे में, तो उन्होंने अपना हाई स्कूल अशोक विहार के माता जय कौर पब्लिक स्कूल से पूरा किया, जिसके बाद आगे चल के उन्होंने गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और वहाँ से उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की और डिग्री हासिल की। और वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, तप्सी का अपने स्कूलिंग के समय से ही मॉडलिंग में काफ़ी शौक था और वो बड़े होकर एक सक्सेसफुल मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की। लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद जब उन्हें जॉब मिली तो उन्हें अपने सपने के बारे में याद आया, जिस वजह से उन्होंने पार्ट टाइम मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। और कुछ ही समय बाद उन्होंने चैनल वी के गेट गॉर्जियस शो में अपना ऑडिशन दिया और इसके बाद से वो फुल टाइम एज अ मॉडल काम करने लगी। और इसके बाद तप्सी ने रिलायंस ट्रेंड्स, रेड एफएम 93.5, यूनिस्टाइल इमेज, कोका कोला, मोटोरोला, पेंटालून और पीवीआर सिनेमास जैसे कई ब्रांड्स के लिए एंडोर्समेंट्स किए। और दोस्तों, यहाँ पे उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर वो फेमस होना चाहती है और अपना करियर बनाना चाहती हैं तो सिर्फ मॉडलिंग से कुछ नहीं होगा, इसके लिए उन्हें एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। और दोस्तों, इसी सोच के बाद अगर मैं बात करूँ उनके करियर की, तो फिल्मों में उनके करियर की शुरुआत सन 2010 में हुई, जब उन्हें एक तेलुगु मूवी चुमंडी नाडम में एक रोल दिया गया जो कि एक लव स्टोरी थी। इस मूवी में अपने परफॉर्मेंस देने के बाद उन्हें 3 और ऑफर दिए गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी अगली मूवी सन 2011 में आडुकलम में काम किया। और दोस्तों, ये मूवी करने के बाद उन्हें 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए, जिस वजह से वो इंडस्ट्री में धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। अगर मैं बात करूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके करियर की, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके करियर की शुरुआत सन 2013 में हुई, जब उनकी मूवी चश्मे बद्दूर रिलीज हुई। लेकिन इस मूवी ने कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बॉलीवुड करियर में उनके 4 चांद जब लगे जब उन्होंने बेबी मूवी में काम किया और इस मूवी में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी लाजवाब थी, जिस वजह से वो बॉलीवुड में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। अगर मैं बात करूँ उनके अचीवमेंट्स के बारे में, तो आज तक वो अपने पूरे करियर में 17 से भी ज़्यादा अवार्ड्स जीत चुकी हैं। और अगर मैं बात करूँ उनके नेटवर्थ के बारे में, तो इस समय उनका नेटवर्थ अराउंड $6 बिलियन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी फैमिली में किसी का भी एक्टिंग इंडस्ट्री से कोई भी नाता नहीं था, और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि उन्हें छोटी छोटी वजहों की वजह से भी कई रोल्स नहीं दिए गए थे। उन्हें कहा जाता था कि तुम किसी एक्टर या एक्ट्रेस की बेटी नहीं हो, और ये भी कहा गया था कि तुम्हारा नाम ऐसा नहीं है जो मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जा सके। और अपने करियर में उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतें भी आई थी, इसके बावजूद वो आज इस मुकाम पे पहुंच गई हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।